हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। यस स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर किया था टेमिंग एन एलिफेंट पेज नंबर 42 तक। यस स्टूडेंट्स, तो आज हम पेज नंबर 42 एंड 43 करने जा रहे हैं, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 42 एंड 43 ओपन कीजिए। यस स्टूडेंट्स, लेट्स रीड। देर आर ऑफ कोर्स रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स फॉर गुड एंड बैड परफॉर्मेंसेज। यस स्टूडेंट, आपके जब आप भी क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस करते हो तो आपको क्या है, रिवार्ड दिया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है। तो उसी तरह अगर आप बैड परफॉर्मेंस मीन्स अगर आप कोई क्लास में चीटिंग करते हो तो आपको बोला जाता है कि चीटिंग मत करो। तो इसी तरह से ही जो एलिफेंट्स हैं उनको क्या करते हैं कि जो अगर वो गुड परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको क्या है, सम्मानित करते हैं, अगर वो बैड परफॉर्मेंस करते हैं तो क्या है, उनको दंड भी दिया जाता है, मीन्स उनको सजा दी जाती है। तो इन ऑर्डर टू कीप देम इन गुड हमर ट्रेनर्स रेगुलरली गिव देम बनानाज एंड शुगर केन। तो उनको मीन्स जो है कि सही तरीके में उनको रखने के लिए, मीन्स उनको गुड सेंस ऑफ ह्यूमंस में रखने के लिए भी उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे या वो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो उनको वो जो है ट्रेनर्स क्या है वो बनानाज और शुगर केन देते हैं उनको खुश करने के लिए। द स्टूडेंट इज़ मेड टू रिपीट एन एक्शन अगेन एंड अगेन टू मेक इट कैरी इट आउट एज ए कमांड आफ्टर वर्ड्स। एलिफेंट जो है वो क्या है, अपने एक्शन को बार बार रिपीट करते रहते हैं ताकि वो क्या है कि उनको आगे जो काम है वो करना पड़े, उनको क्या है कमांड देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल टू ग्रीट ए पर्सन ही इज टॉट टू रेज हिज ट्रंक। जो अब एक आप बच्चों देखो कि जी अगर किसी पर्सन को खुश करना हो, मीन्स एलिफेंट के बच्चे को खुश करना हो, तो वो जो ट्रेनर होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको जो है उनकी ट्रंक को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस द ट्रेनर रेजेज ए शुगर केन ओवर द स्टूडेंट्स हेड। वो क्या करते हैं ट्रेनर कि जो एक शुगर केन होता है वो उनके ऊपर के हेड के ऊपर की ओर लेके जाते हैं ताकि वो जो एलिफेंट क्या होते हैं वो भी अपनी ट्रंक को क्या है ऊपर की ओर लेके जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट ट्राइज टू कैच इट बाय रेजिंग द ट्रंक एज सून एज ही लिफ्ट्स हिज ट्रंक द ट्रेनर कॉल्स अलाउड सलाम। जैसे ही वो अपनी सूंड को ऊपर लेके जाते हैं, मीन्स ट्रंक को ऊपर की ओर लेके जाते हैं, तो जो ट्रेनर होते हैं उनको क्या बोलने के लिए कहते हैं कि बोलो सलाम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ By repeating the action, the elephant loves to raise the trunk at the word salam even without sugar cane after some time. जैसे आपको क्लास में स्टूडेंट्स, आपको क्लास में क्या सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो आप भी अच्छे से सीख जाते हो। इसी तरह से जो ट्रेनर्स होते हैं वो एलिफेंट्स को क्या है यही सिखाते हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटी किस तरह से करनी होती है, कैसे करनी होती है, तो वो अच्छी तरह से सीख जाते हैं। तो वो क्या है, वो जो एक्शन करते हैं ना वो बहुत अच्छे से फिर वो करने लग जाते हैं, तो वो भी किस मतलब फिर वो बोलने लग जाते हैं सलाम, जैसे कि उनको सिखाया जाता है, ट्रेनर बोलते हैं कि बोलो सलाम, तो वो अपनी सूंड को ऊपर करके बोलते हैं कि सलाम, जैसे उनको बोला जाता है कि आप थोड़ा नाच के दिखाओ जो भी है ETC, तो वो मतलब अच्छे से सीख जाते हैं, फिर वो सलाम भी बोलते हैं, वो भी क्या विदाउट शुगर केन के, बिना किसी लालच के, मीन्स उनको गन्ना या बनाना जो है वो बहुत पसंद है, तो वो फिर उनका भी लालच नहीं रखते, फिर वो अपनी जो एक्टिविटी क्या है बहुत अच्छे से करते हैं। लाइकवाइज ही टॉट टू परफॉर्म अदर टास्क एज वेल। इसी तरह से जो अदर एक्टिविटी टास्क जो होते हैं, कार्य जो होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं। दे इंक्लूड कमिंग आउट ऑफ द रिवर और पूल ऑन हेयरिंग जूजू रिंग्स बेल्स एंड ऑफर फ्लावर्स इन टेम्पल्स पूल लॉग्स एंड वर्क इन ए सर्कस। तो देखो बच्चों, जो मतलब एलिफेंट्स होते हैं वो किस में काम करते हैं, रिवर्स में भी काम करते हैं, पूल्स में भी काम करते हैं, और जो क्या है जूजू रिंग्स, रिंग बेल्स जो होती हैं उनको बहुत अच्छी लगती है, जब वो बजती है तो वो उनको बहुत अच्छी लगती है। और वो क्या है, जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मंदिरों में भी लेके जाते हैं और वो अपनी सूंड के द्वारा वहाँ अर्पित भी करते हैं, आपने देखा होगा कई फिल्म्स में भी। तो मतलब वो पूल्स लॉग्स मीन्स जो लकड़ियों का बंडल होता है उनको भी उठाते हैं, सर्कस में भी काम करते हैं, तो वो जो बंडल होता है
तो वो उनको उठाते हैं। आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग सम एलिफेंट्स हैव वर्कड वेरी सक्सेसफुली इवन इन फिल्म्स। जब ट्रेनर्स इनको अच्छी तरह से ये मतलब सारी ट्रेनिंग दे देते हैं तो ये क्या एलिफेंट्स को क्या है फिल्मों में भी काम करने का मौका मिल जाता है, मीन्स ये फिल्मों में भी काम करते हैं। तो यस स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको इसकी कुछ एक्टिविटी दूंगी तो वो आपने सॉल्व करनी है। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।